पीएम मोदी आज दक्षिण भारत के 3 राज्यों के दौरे पर, कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के भंडारण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल के शारदा घोटाले में आज भी कोलकाता पुलिस कमिश्नर से पूछताछ की जाएगी। शनिवार को भी सीबीआई अफसरों ने शिलांग में 8 घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई ने टीएमसी नेता कुणाल घोष को भी बुलाया। ईडी ने तीसरी बार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार तीसरे दिन हुए पेश। अब तक करीब 23 घंटे तक की जा चुकी है पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला लंदन में संपत्ति खरीदने को लेकर है। वाड्रा सेंट्रल दिल्ली के जामनगर हाउस में मौजूद केंद्रीय जांच एजेंसी के दफ्तर में पेश हुए। यूपी उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 88 पर पहुंची। यूपी के कुशीनगर में 11 की मौत। रुड़की में मौत का आंकड़ा 31 हुआ। सबसे ज्यादा सहारनपुर में 46 लोग मारे गए। अफजल गुरु की बरसी पर कश्मीर घाटी में आतंकी हमले की आशंका। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। पाकिस्तान ने सीमा पार से फिर स्नाइपर अटैक किया। राजौरी में एलओसी पर तैनात एक जवान घायल। घायल जवान सेना के अस्पताल में भर्ती। गुर्जर आरक्षण को लेकर राजस्थान में आंदोलन हुआ तेज। 5% आरक्षण की मांग को लेकर सरकार से बातचीत फेल। सीएम अशोक गहलोत ने संविधान संशोधन के लिए केंद्र से मांग करने के लिए कहा। नागरिकता बिल को लेकर बीजेपी और सहयोगी दलों में तनाव बढ़ा। मेघालय के सीएम कोनाड संगमा ने बिल पास होने पर एनडीए से अलग होने की धमकी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। अरुणाचल प्रदेश में पीएम ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, चौकीदार से भ्रष्टाचारी परेशान। असम में नागरिकता बिल के बारे में गलत जानकारी फैलाने का भी आरोप लगाया। चीन ने पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे पर आपत्ति जताई। भारत ने पलटवार करते हुए अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा कहा। पश्चिम बंगाल के नादिया में टीएमसी विधायक सत्यजीत विश्वास की हत्या। टीएमसी के आरोपों से बीजेपी ने किया इनकार। रफाल डील को लेकर राहुल पर वायु सैनिकों के अपमान का आरोप। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जताया एतराज। कहा, शहीदों का अपमान कांग्रेस का संस्कार। पुणे में अमित शाह ने बीजेपी को कार्यकर्ताओं की पार्टी बताया। कहा, 2019 में बीजेपी जीती तो परिवारवाद और जातिवाद भी खत्म हो जाएगा। जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड ने न्यूज वेबसाइट द वायर को चलाने वाली कंपनी पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। झूठे लेखों के जरिए कंपनी की छवि खराब करने का आरोप। बसंत पंचमी के मौके पर तीसरे और आखिरी शाही स्नान पर उमड़े श्रद्धालु। आज 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा संगम में डुबकी लगा सकते हैं। सुषमा स्वराज के बाद केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने भी किया लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार। 2009 के बाद नहीं लड़ा लोकसभा का चुनाव। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी। पुंछ के ऊंचाई वाले इलाकों में सड़क से बर्फ हटाने का काम तेज। वायुसेना का ग्लोब मास्टर भी 170 लोगों को श्रीनगर से लेकर जम्मू पहुंचा। यूपी के ललितपुर में टोल कर्मियों से मारपीट। NH-44 पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बारातियों से भरी बस ने टोल देने से किया इनकार। मुंबई में चेकिंग के दौरान रोके जाने पर सिपाही पर चढ़ाई बाइक। आरोपी बाइक सवार गिरफ्तार। सिपाही अस्पताल में भर्ती। दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रचार के लिए कुंभ में 9 विदेशी संतों को चुना गया। सभी को निर्मोही अखाड़े ने महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया। मुंबई में लगा विंटेज कारों का मेला। प्रदर्शनी में 100 से ज्यादा विंटेज कार्स और बाइक शामिल। बर्फबारी ने बढ़ाया पर्यटन का कारोबार। चीन के हुआई शहर में अनोखा नजारा देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे।